ते के एस में आपका स्वागत है, आइए एक साथ सीखें। चैट ओपनआई द्वारा बनाया गया एक उन्नत कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ताओं के साथ चैट द्वारा बात कर सकता है। इसे प्राकृतिक भाषा को समझने, प्रतिक्रिया देने और समय के साथ अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पिछली बातों से सीखने के लिए डिजाइन किया गया है। चैट को किताबों, वेबसाइटों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सहित विभिन्न स्रोतों से भारी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पर प्रशिक्षित किया गया है। इस कादी प्रशिक्षण ने इसे बहुत अधिक जानकारी देने में सक्षम बनाया है, जिससे यह विषयों की एक बहुत भिन्न भिन्न सवालों के लिए प्रासंगिक और नाम प्रतिक्रिया दे सकता है। चैट जीपीटी की ये बातें करने की क्षमता में ग्राहक सेवा, वर्चुअल असिस्टेंट और शैक्षिक काम सहित कई प्रयोग हैं। यह व्यक्तिगत सहायता प्रदान कर सकता है, सवालों के जवाब दे सकता है और यहाँ तक कि विवरण और अनुपात जैसे क्विज़ को भी लिख सकता है। कुल मिलाकर चैट जीपीटी एक और बहुसंख्यक उपकरण है जो अपनी सादी भाषा में बोलकर हमें यानी यूजर को उचित या उपयोगी जानकारी दे सकता है। इसकी उन्नत क्षमताएं और निरंतर सीखना कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में एक रोमांचक विकास बनाता है। अभी जब हमने देखा है कि चटपटे क्या है, कई लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई इसकी हमें क्या जरा, हमारे पास तो पहले से ही गूगल बाबा है। तो चलो अभी देखते हैं कि हम गूगल बाबा की जगह चैट गप्त क्यों इस्तेमाल करें। नेचुरल लैंग्वेज इंटरेक्शन, आप चैट के साथ अपनी भाषा में बात कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप अनुवर्ती प्रश्न पूछ सकते हैं, अपने अस्पष्ट को स्पष्ट कर सकते हैं और अधिक अच्छी और सच्ची प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकते हैं। व्यक्तिकरण, चैट आपके पिछले इंटरेक्शन से सीख सकता है और आपकी प्राथमिकताएं और रुचियों के आधार पर व्यक्तिगत अनुशंसाएं प्रदान कर सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी, चैट जीपीटी विषयों और विशेष की एक बड़ी सीरीज को हैंडल कर सकते हैं, जिसमें वो भी शामिल है जो गूगल बाबा पे सर्च करके भी नहीं मिलता। मानव जैसा अनुभव, चैट जीपीटी को अधिक मानव जैसा अनुभव प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है, जो बातचीत को अधिक आकर्षित और मनोरंजक बना सकता है। क्रिएटिविटी, चैट की कहानियाँ और समान रूप से समान सामग्री को प्राप्त कर सकते हैं, जो टाइम पास का एक मजेदार और मनोरंजक तरीका हो सकता है। चलो अभी ये भी देख के लिए हमें ये क्यों इस्तेमाल करना है, अभी सवाल ये उठाया है कि इसे कैसे करें। चैट जीपीटी यूज करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ 3 आसान स्टेप्स में आप चैट को अपने मन मुताबिक यूज कर सकते हैं। सीधा गूगल पर जाकर चैट जीपीटी सर्च कीजिए, सबसे पहली लिंक जो आ गई है उस पे क्लिक करके साइन इन कर लीजिए। अब आप चैट जीपीटी से जो चाहें, जिस तारीख से चाहें पूछ सकते हैं। चलो अभी हम तो मास्टर हो गए ये चैट जीपीटी के, लेकिन इसे क्या पूछ सकते हैं? सामान्य ज्ञान के प्रश्न, जापान की राजधानी क्या है या टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। व्यक्तिकृत प्रश्न, क्या आप मेरे आसपास किसी अच्छे पिज्जा स्थान के बारे में सुझाव दे सकते हैं या न्यूयॉर्क में आज मौसम कैसा है। रचनात्मक प्रश्न, क्या आप मुझे ड्रैगन के बारे में एक कहानी बता सकते हैं या क्या आप मुझे हंसा सकते हैं। राय प्रश्न, जलवायु परिवर्तन के बारे में आप क्या सोचते हैं या क्या आप बिल्लियों या कुत्तों को पसंद करते हैं। कार्य आधारित प्रश्न, क्या आप मुझे अपनी माँ को दोपहर 3 बजे कॉल करने के लिए याद दिला सकते हैं या क्या आप डिलीवरी के लिए पिज्जा ऑर्डर कर सकते हैं। चैट जीपीटी विभिन्न तरीकों से शैक्षिक क्षेत्र में एक उपयोगी उपकरण हो सकता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। शैक्षिक सहायता प्रदान करना, चैट छात्रों के प्रश्नों का उत्तर दे सकता है और जटिल अवधारणाओं की व्याख्या प्रदान कर सकता है। इससे छात्रों को सामग्री को बेहतर ढंग से समझने और परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सकती है। भाषा कौशल में सुधार, चैट जीपीटी छात्रों के साथ विभिन्न भाषाओं में बातचीत कर सकता है, जिससे उन्हें अभ्यास करने और अपने भाषा कौशल में सुधार करने की अनुमति मिलती है। यह भाषा सीखने वालों के लिए विशेष रूप से सहायक हो सकता है, जिनके पास देशी वक्ताओं के साथ बोलने का अभ्यास करने के अधिक अवसर नहीं होते हैं। व्यक्तिगत शिक्षा प्रदान करना, चैट जीपीटी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम का उपयोग व्यक्तिगत छात्रों की सीखने की शैली के अनुकूल होने और अध्ययन और सीखने के लिए व्यक्तिगत सिफारिशें प्रदान करने के लिए कर सकता है। रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाना, चैट रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच कौशल को प्रोत्साहित करने के लिए संकेत और अभ्यास प्रदान कर सकता है। यह लेखन और साहित्य जैसे विषयों में विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। दूरस्थ शिक्षा को सक्षम करना, चैट जीपीटी को इंटरनेट कनेक्शन के साथ कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, जिससे यह दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक मूल्यवान उपकरण बन जाता है। छात्र चैट जीपीटी से प्रश्न पूछ सकते हैं और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, भले ही वे कक्षा में शारीरिक रूप से उपस्थित न हों। चलो अभी हमें सब आता है, अब जो चाहे करवा लो हमसे। जब चैट जीपीटी यहाँ है तो हम क्यों डरें? इसलिए चाहे आप एक छात्र हो, एक शिक्षक हो, एक व्यापारी हो या एक गृहिणी हो या सिर्फ एक जिज्ञासु व्यक्ति हो, आप चैट गप्त का प्रयोग जिस तरह से चाहे कर सकते हैं। क्या पता शायद आप अपने दैनिक जीवन में इस तकनीक का उपयोग करने का एक नया और रोमांचक तरीका खोज लेंगे। देखने के लिए धन्यवाद और कृपया कमेंट्स में बताएं कि आप मुझे चैट जीपीटी के बारे में क्या सोचते हैं। साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के बारे में अधिक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक जिज्ञासु बने रहें और सीखें।